पाने वाले बच्चों का कुछ लक्षण होता है जो जीवन भर दुख पाते हो, जीवन भर। और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो न करने दे, उनमें वो लक्षण ना आने दे। वो लक्षण क्या है? एक बार देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास में गए और नारद जी का स्वागत किया बाबा ने। अरे नारद जी आओ 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 आओ। बोले महाराज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे पता चले कि ये मनुष्य दुख पाएगा? माँ बाप को कैसे पता चले? जब घर में कोई बच्चा होता है तो जब बच्चा होता है तो इस बात का कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जीवन भर सुख पाएगा या दुख पाएगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके बता दीजिए। शंकर भगवान बोले नारद जी तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान सुख पाए, और ये भी कहा जाता है कि पूत के पाम पालने में दिखते हैं। दिखते बच्चे के कर्म से आचरण से यह पता लगाया जा सकता है कि यह जीवन भर सुख पाएगा कि दुख पाएगा। बोले कैसे? बोले सुनो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत पुरातन नगर था, उस नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी, बहुत प्यारी बेटी थी राजकुमारी। अब वो जो राजकुमारी थी उसका नाम था छाया, बड़ी सुंदर थी, इकलौती बेटी थी, राजा की बेटी थी, इसलिए राजा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। अब वे बेटियां बाप को प्यारी होती ही हैं। अब कोई भी बात रानी अगर उन्हें सिखाती घर का कार्य कैसे करना चाहिए ये ऐसा, तो राजा डांट देते थे, अरे राजकुमारी ये कोई कार्य करे, ये ऐसे हो, इसको दास दासियों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं दास दासियों पे। बेटी चाहे राजा की हो चाहे किसी गरीब की हो, बेटी को एक कार्य में दक्ष जरूर होना चाहिए, वो रसोई में। बेटियां बुरा न माने, कई बेटियां बुरा मानती हैं, हम कोई चूल्हा चौके के लिए थोड़ी हैं। मान लो चूल्हा चौका तुम्हारे जीवन से ही हट गया तो क्या कर लोगे काय के लिए जीवन? फिर तुम्हारा जीवन ही टिकाए चूल्हा चौके पे, नहीं टिकाए? बोलो, चूल्हा ना हो चौका ना हो भोजन ना हो तो क्या जीवन में कितने दिन जियोगे? जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, नोट या रोटी? जवाब दो जोर से, बोलो जीवन में महत्वपूर्ण रोटी है कि नोट है? सोने से भी ज्यादा अनमोल है रोटी, और आज दुर्भाग्य से रोटी से भी ज्यादा कीमती बना दिया नोट को और गोल्ड को। रोटी कहीं से भी मंगा के खा लेते हैं, कहीं से भी कैसे कमा के, हम कैसे किसी के हाथ से रोटी खा सकते हैं? जवाब दो। और आज तो यही चल रहा है, कहीं से भी किसी से भी मंगा के रोटी खा लो। जबकि शास्त्र कहते हैं अगर चाहते हो तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो उन्हें बाहर का भोजन कभी नहीं कराना चाहिए। स्त्री के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने पति अपने पुत्र इन दोनों को अपने हाथों से भोजन बना के खिलाए, हर दिन खिलाए। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम। आप डॉक्टर बनो बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियर बनो बहुत अच्छी बात है, आप पायलट बनो प्लेन उड़ाओ, आजकल तो बहन बेटियां हमारी वो फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब कला आप पे आती हैं बहुत अच्छी बात है, इन सब के साथ साथ आपको रोटी बनाना भी आना चाहिए। और शादी के बाद एक जिम्मेदारी जरूर निभानी है, चाहे और कोई जिम्मेदारी निभे ना निभे, कि मैं अपने परिवार को अपने हाथों से भोजन बना के कराऊं।
वैसे तो नियम यह है कि कमाना पुरुष को चाहिए, घर के बाहर पुरुष जाए, घर के भीतर देवी रहे। नियम तो यह है, नो पैसा कमाने के लिए कभी देवियों को, कन्याओं को, बेटियों को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए। आज इस बात को कह देंगे तो लोग बुरा मान जाते हैं कि देखो कैसी बातें कर रहे हैं ये। मेरे प्यारे, मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं तो देवियों की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए आज क्या नहीं हो रहा हमारे भारत में, 36 टुकड़े हमारी बेटियों के कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे बोलो ना। ये संसार में सबसे अनमोल अगर कुछ है तो वो बेटियों का सम्मान है, देवियों का सम्मान है। और देवियों का सम्मान चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, और आज वो सम्मान नाम की चीज कोई रही नहीं। खैर, ये बात आप समझिए, समझ के इसको अनुभव कीजिए। तो राजकुमारी की मां सिखाना चाहती थी, पर पिताजी के लाड प्यार ने उनको वो सिखाने नहीं दिया। रानी सिखाती थी, वो कहते थे क्या जरूरत है। इसी लाड प्यार में बेटी का एटीट्यूड बिगड़ गया, वो फिर तो महाराज नखरे हो गए, बोलने का स्टाइल बदल गया, जो मन पे आए सो करे। एक दिन राजा को लगा कि बेटी बड़ी हो रही है, अब उसका विवाह करना चाहिए। तो विवाह करने की इच्छा लेकर जब राजकुमारों को निमंत्रण देते तो उन राजकुमारों में 100 कमियां निकाल देती, इसमें ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, 100 कमियां। और उसने कई राजकुमार फेल कर दिए। एक बार राजा को लगा कि चलो स्वयंवर ही कर देते, कहा तमाम राजकुमार आए हैं, अपने हाथ में माला लो, सबको देखो, जो भी अधिक सुंदर हो, जो तुम्हें पसंद आए उससे विवाह करो। अब वो सबका मजाक उड़ाती थी, पर विवाह माला किसी के गले में नहीं डाली। ये देखो कैसा लंबा चौड़ा सा है, ये देखो कैसा दाढ़ी वाला सा है, ये देखो कैसा, कौन इससे विवाह करे। अभी इकलौती बेटी राजकुमारी, बोलने का तरीका भी गलत, सबका मजाक उड़ाने का तरीका बहुत बुरा लगा। एक वहां पर राजकुमार बैठे थे, दाढ़ी वाले थे, बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े अच्छे थे, पर उसको भी खरी खोटी सुना दी। ये दाढ़ी वाला आ गया हमसे विवाह करने के लिए, सखियों को सुना कि जो साथ में चल रही थी उनको, ये आ गया लंबा चौड़ा सा, देखो दाढ़ी बढ़ा के, ऐसा लगता है जैसे बाबा जी आ गया यहाँ, मैं राजकुमारी इस बाबा जी से विवाह करूंगी। उस राजकुमार को बुरा नहीं लगा, क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं 2-4 बार सुना भी दे तो कहां बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है, तो वो बुरा नहीं लगा उसको। अब जब पूरा स्वयंवर समाप्ति की ओर चला गया और राजकुमारी ने किसी के गले में माला नहीं डाली तो राजा भड़क गए, सबका मजाक उड़ा रहे थे, तो राजकुमार चले गए, बोले जाओ तुम ऐसी से हम विवाह नहीं करेंगे जिसका ऐसा स्वभाव है, गंदा स्वभाव है, बोलने का तरीका नहीं है, द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए, इनको आता नहीं है, बेकार है। सब उठ उठ के चले गए और राजा को गुस्सा आ गया, और राजा ने सभी राजकुमारों को रोक के कहा, बोले चिंता मत करो, मेरी बेटी को अगर द्वार पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना नहीं आता तो मैं तुम्हारे आगे संकल्प लेता हूं कि इस बेटी का विवाह भिखारी से करूंगा, अब राजकुमार से नहीं होगा। राजकुमारों ने सबने बड़ी प्रशंसा की कि देखो इतना निर्णायक राजा, न्यायसंगत राजा। तो राजा की प्रशंसा कर करके सब चले गए, और राजकुमारी को लगा पिता ने ऐसे ही कहा होगा, गुस्से में कह दिया होगा, भिखारी से थोड़ी हमारा विवाह करेंगे। कहानी बहुत बड़ी है। एक दिन सुबह सुबह महल में द्वार के बाहर किसी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो राजा ने कहा जाओ देख के आओ कौन है। बोले एक भिखारी है। बोले बुला के लाओ, उसकी राजकुमारी से शादी करनी, भिखारी है तो बुला लाओ। और रानी कहे महाराज, बोले चुप करो, हमने वचन दिया है कि इसका विवाह भिखारी से करेंगे।
इसे पता ही नहीं है कि राजकुमारों से कैसे बात की जाती है, इसे पता ही नहीं कि राजकुमारी का क्या स्वभाव होना चाहिए, इसे पता ही नहीं कि एक कन्या में क्या स्वभाव। बोले आप ही ने बिगाड़ा। अरे हमने बिगाड़ा, प्रेम किया हमने, बिगाड़ा कहाँ। पर कोई सम्मान कैसे करना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे स्नान करना है, कोई द्वार पर आया उसे कैसे बोलना है, ये तो इसको आना चाहिए। अगर इसे नहीं आता तो इसे महलों में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे भिखारी के संग ब्याह दो। महाराज भिखारी को बुलाया, भिखारी के संग ब्याह दिया गया और भिखारी के संग ब्याह के काके लेके जाओ। राजकुमारी रोए सुरोए, उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा पिता ऐसा कर सकता है, इतना प्यार करने वाला मेरा पिता मेरे साथ ऐसा करेगा। पिताजी मुझे मत भेजो, पिताजी मुझे मत भेजो। तो पिता रोते हुए एक बात कही कि पुत्री मैं तो यही चाहता था कि तेरे विवाह किसी राजघराने में हो, पर तेरा कर्म ही ऐसा नहीं है कि जिससे तू सुख पा सके, तुझे दुख ही भाग भोगना है, क्योंकि तेरा स्वभाव, तेरी बाणी, तेरा कर्म ऐसा ही है। अब वो लेके चले, चलो पैदल। अरे कोई रथ वत नहीं है। बोले भिखारियों पर रथ होते हैं, मैं तो कभी पैदल नहीं चलती। बोले अब चलना पड़ेगा, भिखारी से ब्याह हूं। आगे आगे भिखारी, पीछे पीछे राजकुमारी। अब उसे अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गई, थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाए। बोले बैठ जाओ। सामने बहुत सुंदर खेत था, उस खेत को देख के कहा कुछ खाने को मिल जाए। बोले खाने को क्या मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, हम तो भिखारी हैं, मांग के लाएंगे, कुछ खाएंगे तब तुम्हें खिलाएंगे। अरे बोले कुछ तो व्यवस्था करो भाई, अर्धांगनी है, भोजन तो कराओगे। बोले जो हम खाएंगे उससे पहले तुम्हें खिलाएंगे, पर हम पे भी तो हो, पहले हम पे हो तो तुम्हें खिलाएं। थोड़ी देर सुस्ताई आगे चली तो देखा एक पेड़ में, एक खेत में बहुत सुंदर सुंदर खेती है। पूछा ये खेत किसका है। बोले ये उसी राजकुमार का है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तुमने उससे विवाह किया नहीं, मेरे जैसे भिखारी के संग आ गई तुम। फिर आगे चली, एक पेड़ दिखा, उस पे फल लगे हुए थे। बोली ये वृक्ष बड़े सुंदर बगीचा है। बोली ये भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है, उससे विवाह कर लेती तुमको गाली फटकार दे के चली आई हो, उससे विवाह कर लेती तो आज हम भिखारी के संग थोड़ी रहती तू। पछताने लगी, एक टूटी सी झोंपड़ी में लेके चला गया। झोंपड़ी में कुछ था ही नहीं, थोड़ा बहुत आटा था। बोले रोटी बनाओ। बोले मैं रोटी बनाऊंगी, वो कौन बनाएगा, हम पति हैं तुम पत्नी हो। बोले मैंने तो आज तक कुछ नहीं बनाया। बोले जैसा भी बना सकती हो बनाओ, अब तुम्ही को बनाना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो भिखारी हैं। अब एक आध दिन में उसने जरा पुरा के एक आध रोटी सेकी। राजकुमारी जो महाराज फलों का जूस पीती थी, आज पजरी हुई रोटी खा रही, आंखों में आंसू थे। और राजकुमारी कह रही थी मेरे ही कर्म का नतीजा है। रोने लगी, पछताने लगी। सोने की बारी आई तो बोले सोए कैसे। बोले ये फटी सी वो है चटाई, चलो मैं तो, मेरी आदत है मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा, तुम फटी सी चटाई तुम ही लेके सो जाओ। बोले मैं चटाई पे सोऊंगी। बोले इतने राजकुमार आए थे, किसी से विवाह कर लेती तो महलों में सोती, अब भिखारी से विवाह किया तो चटाई पे ही सोना पड़ेगा। अब महाराज मखवली गद्दों पे सोने वाली राजकुमारी क्या वो चटाई पे सो पाएगी। रात भर करवट बदलती रही, नींद नहीं आई, अपने आप को कोसने लगी। महाराज आटा भी खत्म, अब तो दूसरे दिन कुछ रहा ही नहीं। बोले अब भोजन की व्यवस्था करो। बोले भोजन तो घर में है नहीं, एक काम करो, सामने आम के वृक्ष खड़े हैं, हम आम तोड़ के तुमको दे देते, तुम बाजार में जाके बेचो। बोले मैं बेचूंगी आम। बोले देखो आधा काम हम कर रहे हैं, आधा काम तुम करो, पेड़ पे तुम चढ़ नहीं सकती तो हम चढ़ रहे हैं, तोड़ के हम दे देंगे, जाओ बाजार में। महाराज उसने आम तोड़े, डलिया में भरे, डलिया में भर के राजकुमारी आम बेचने गई। अब शर्म आवे, कोई पहचान न ले, घूंघट यहां तक किया। दो चार दिन तो आम अच्छे बिके, भोजन भी व्यवस्था बन गई। पांचवें छठवें दिन एक दिन वो डलिया लेके बैठी थी, और जब वो डलिया लेके, हर बच्चे को ये कहानी सुनाना, स्पेशली बेटियों को,
बेटे नालायक हो ना तो उनका त्याग किया जा सकता है, पर बेटियां अगर इधर उधर हो गई तो उनका क्या होगा, दो कुल बर्बाद हो जाते हैं, एक कुल नहीं दो। बेटा तो जिंदगी भर रणडूबा भी रह जाए कोई नहीं पूछ रहा, पर बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस संसार में बेटे का बाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस संसार में बेटी का बाप होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चौथे दिन वो आम की डलिया लेके गई तो वहां से एक मंत्री निकला, लात मारी डलिया में, शर्म नहीं आती, रास्ते में दुकान खोल के बैठ गई, पक दो चार आम थे वो फूट फाट गए, रोती हुई आई, बोले आय रही मेरी किस्मत, एक तो राजकुमारी, राजकुमारी भी बेचे आम और वो आमे भी मार दे जाए लात, वो भी फूट गए आम, राजकुमारी का ऐसा अपमान। रोती रोती अपने पति के जौरे आए, बोले महाराज अच्छे पति मिले। वो क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसी घटना घटी, बोले तुम में तमीज नहीं है, अरे सड़क पे कोई आम बेचता है थोड़ी साइड में हो जाता, राजपथ को रोक के खड़ी होगी तो कोई भी कुछ भी कहेगा, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो कभी महलों से बाहर निकल के देखा ही नहीं, कहां बैठू कहां ना बैठू। तो भिखारी ने कहा यही तो गलती तुम्हारे मां बाप की है, उनको सिखाना चाहिए। जैसे ही मां का नाम आया तो उसे वो सारी घटना याद आ गई और उसने कहा मैं हाथ जोड़ती हूं मेरी मां के लिए कुछ मत कहो, क्योंकि मेरी मां ने तो सिखाया पर मैंने कभी सीखा ही नहीं, घर कैसे चलाया जाता मैंने नहीं सीखा, मेरी मां ने सिखाया था, मेरी मां ने सिखाया था, मैंने ही नहीं सीखा। अरे बोले चलो तुम एक काम करो, ये सब छोड़ दो, ये काम आम बेचने वाला काम तुमसे नहीं होगा, मैं दूसरा काम ढूंढ के लाता हूं। एक दिन गया भिखारी, फिर ढूंढ के आया, बोले फलान एक जगह राजा है, राजा की रसोई में भोजन कर बनाने की व्यवस्था मिल गई, राजा की रसोई में तुम जाके भोजन बनाओ। अरे बोले राजा को भोजन है बिगड़ को तो वैसे ही मृत्यु दंड देगा, बोले यहाँ पे यहाँ जीने से तो अच्छा है मरी जाए हम, जैसे तुम जी रही हो दुख इतने दुख में तो ये भी तो मृत्यु के ही समान है, थोड़ा थोड़ा सीख लेना फिर बनाना। तो महाराज राजकुमारी एक राजा के महल में रसोई बना रही है, सेवा कर रही है। अच्छा बताओ ये सुख है कि दुख है, जोर से बोलो, बोलो तो सही है, सुख है कि दुख है, है? अच्छा यहां के लोग बोलते नहीं, ये तो है, बहुत कम बोलते। सुख है कि दुख है, एक दिन महल के बाहर रसोई के बाहर आवाज आ रही थी, बहुत सुंदर भव्य दिव्य कोई आयोजन हो रहा था, बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए गए। उन भोजनों को देख के, उन व्यंजनों को देखकर राजकुमारी के मुख में भी पानी आ गया, बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था ऐसा, एक महलों में थी तो ऐसा ही करती थी, पर आज उसके मुख में पानी आ रहा था। वो सोच रही थी कि यहां से थोड़ा बहुत हमको मिल जाए, हम भी पाएं और अपने पति को भी पवाएं, भिखारी को भी पवाएं। तो एक डलिया में बांध लिया ले जाने के लिए, जैसे ही जा रही थी एक बड़े से आदमी ने उसके हाथ में मारा झटका, कहां लेके जा रही, चोरी करती। देखा तो लगा कि यही राजा होगा, बोले अब तो गए प्राण भी, हाथ जोड़ के रोने लगी, आंखों से आंसू आ गया, बहुत दिनों से पेट भर के भोजन नहीं किया, मुझे कोई दंड मत देना, मुझे कोई सजा मत देना, मैं भोजन करना चाहती हूं और अपने पति को भोजन कराना चाहती हूं और कोई इच्छा नहीं मेरी, चोरी नहीं भूखी हूं, मेरा पति भी भूखा है। उस राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सभा की ओर खींचता हुआ ले गया, उस राज सभा का वो दृश्य देखकर, वो व्यवस्था देखकर, वो चमत्कार देखकर वो दंग रह गए। उसके पिता से भी 10 गुना ज्यादा उसका ही व्यवहार था, अब वो थर थर कांपने लगे,
और उस राजकुमार ने कहा, जानते हो ये कौन है? ये वो राजकुमारी है जो अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर नहीं चली, जिसने तमाम राजकुमारों का अपमान किया, और आज इसके पिता ने इसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, वैसे वैसे वो राजकुमारी के आंखों से झरझर 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 झरना बह रहा था, अपने माता पिता को याद कर रही थी और वो रो रही थी और अपने कर्म को दुत्कार रही थी कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं भी एक राजघराने की राजकुमारी थी, आज देखो इस सभा में मेरा अपमान हो रहा है। तब राजकुमार ने कहा, देवी मैं तुम्हें अपमान करने के लिए नहीं लाया, तुम पहचानोगी नहीं वो दाढ़ी वाला कौन है जिसे तुमने बाबा जी कहकर ठुकरा दिया था। जानती हो वो बाबा जी दाढ़ी वाला राजकुमार मैं ही हूं और यहां का राजा हूं अब मैं। जहां तुम खड़ी हो ये मेरा राज्य है और अभी भी मैं तुम्हारा अपमान करने नहीं लाया। जानती हो वो भिखारी कौन है? वो भी मैं ही, तुम मुझे पहचान नहीं पाई। जब सभा में तुम्हारे पिताजी ने यह प्रण किया कि अब तेरा विवाह मैं भिखारी से करूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्रेम करता था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए भिखारी भी बन गया। और तुम्हें कुटिया में दो चार दिन इसलिए रखा जिससे तुम्हें हर जीवन को जीने की आदत पड़ सके। बड़े होकर कोई बड़ा नहीं होता, अपनी वाणी से बड़े होते हैं, अपने कर्म से बड़े होते हैं, अपने व्यवहार से लोग बड़े होते हैं। कई बार देखने को मिलता है छोटी छोटी बस्तियों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, और कई बार देखने को मिलता है बड़े बड़े घरों में बड़े छोटे लोग रहते हैं। ये रहे तुम्हारे माता पिता। देखो तुम्हारे माता पिता को भी नहीं पता था मैं भिखारी हूं, बस इन्होंने तो प्रण किया और मेरा विवाह कर दिया तुमसे। पर सच है कि तुम्हें सम्मान दिलाने के लिए मैं यहां लेकर आया हूं, तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए लेकर आया हूं। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते, जो अपने बड़ों की बात को नहीं मानते, जो अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, जो धर्म पथ का त्याग कर देते हैं, वो बच्चे जीवन भर दुख ही पाते हैं और उनके कारण उनके मां बाप भी दुख पाते हैं, उनके कारण उनके मां बाप भी दुख पाते हैं।